दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ स्टफ्ड मिर्ची पकौड़े की रेसिपी। बरसात का मौसम है, हम सभी कुछ तला भुना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो फुल देखिए। बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है और साथ में मैंने दिया है 2 चम्मच बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा। ये क्रिस्पीनेस बढ़ाएगा। साथ में मैंने थोड़ा सा पॉपी सीड लिया है, यानी कि पोस्तो दाना या खसखस आप कह सकते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जो कश्मीरी, और नमक। ये सारा दे के मैंने मिक्स रेडी कर लिया है ताकि जब हम बैटर बनाएं तब हम सामान भूल ना जाए। इसीलिए सबसे पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मैंने रेडी कर लिया है। तो आलू की स्टफिंग के लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया, साथ में लाल मिर्च, नमक, थोड़े से अदरक कटी हुई, धनिया पत्ता, हर ये सारा मैं दे के एक मैंने मिक्सर रेडी कर लिया है। ये मिक्सर को हम भरवे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टफिंग हो गया है बिल्कुल रेडी। अभी हम क्या करेंगे, चटनी के लिए हम रेडी करेंगे कि इसके साथ जो चटनी मैं यूज़ करूँगी। तो चटनी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़े से काजू, ये 1/2 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा मैंने ले लिया है यहाँ पे अदरक क्रश किया हुआ, और ये है नारियल जो मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये मिर्ची, इसमें कट लगाएंगे हम। ताकि हम स्टफिंग भर पाए इसमें। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मिर्ची है उसमें से सीड निकाल लिया है। तो अब मैं स्टफिंग भर के दिखाती हूँ। तो ये है हमारा स्टफिंग, इसको इस तरीके से इसके अंदर हमें स्टफ करना है। तो चटनी भी हो गया है रेडी, देखिए यहाँ पे ये टेक्सचर हमें चाहिए इसे। तो अभी हम पकौड़े तल लेते हैं। तो बैटर भी यहाँ पे सेट हो गया है। इस टाइम मैं क्या करूँगी, ये 1 चुटकी यहाँ पे बेकिंग पाउडर दे दूँगी। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी। अब इसको हम फेंट लेंगे। तो यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है, देखिए। तो हम इसको कोट, ये देखिए ये ऐसे कोट होना चाहिए चारों तरफ से, तो ही ये अच्छे से फ्राई होगा। तो ये कोट हो गया है और अभी हम इसको इसमें देंगे। तो ये फ्राई हो गया है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह आप लोग ट्राई कीजिए। कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। मिलूंगी फिर एक नए रेसिपी के साथ, तब तक कुक एंड बेक को देखते रहिए। बाय, थैंक यू।